स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज की दोपहर की बड़ी खबर में। आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आ रही है कि माननीय जो आपके राजनाथ सिंह जी हैं, उनसे मुलाकात की गई है हमारी बहनों के जरिए, यूनियन की बहनों के जरिए, और उन्होंने अपने ज्ञापन को भाई लोगों ने सौंपा है माननीय राजनाथ सिंह जी को। तो वहां पे कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर के हर कोई अब आवाज उठाने के लिए तैयार है, और इससे क्या होगा आने वाले भविष्य में आप लोगों की समस्याओं को, जैसे कि मानदेय के लिए आप सभी बहनें परेशान है, उससे ज्यादा आपका यहाँ पे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर बैठा सुधांशु पटेल भी परेशान है। आप जानते हैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, और खास करके हमारे जो भी भाई बहन ऐसे अच्छे कार्य करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्ञापन वगैरह दिया है सतीश कुमार पांडे जी ने, तो बहुत बहुत बधाई चैनल की तरफ से कि हमारी बहनों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही सभी भाई बहन मिलकर के, हर कोई यूनियन का सदस्य ऐसे ही पहल करे, तभी कुछ हो सकता है। अब राजनाथ सिंह जी से जो मुलाकात हुई है उसके संबंध में आप लोगों को एक छोटी सी हमारे पास लेटर वगैरह की कॉपी लगी। जैसे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संरक्षक हैं परम आदरणीय श्री सतीश कुमार पांडे जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को अवगत कराते हुए, और श्रीमती जो राधा रानी पांडे जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से, तो बढ़िया पहल की गई उनके यूनियन के जरिए, जो आप लोगों तक उनकी आवाज को पटा जो भेजा जा रहा है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ, आप लोगों के लिए कोई बैठा नहीं है, आप लोगों की बेहतरी के लिए यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में आप लोगों का मानदेय 18,000 दिलाने के लिए जो भाई बहन मेहनत कर रहे हैं सम्मानजनक मानदेय के लिए, तो उसमें सफलता मिले। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना हर एक भाई बहन के पास में, क्योंकि जितना चीज जो वायरल होती है उसी के बारे में सरकार प्रशासन चर्चा करता है। जब तक आप खबरों में नहीं रहेंगे तब तक आपकी सुनवाई तक नहीं होती है। कभी कभी आपने देखा है, कभी कुछ हो जाता है तो न्याय मिलने में देरी होती है, लेकिन कोई चीज अगर वायरल हो जाती है तो न्याय तुरंत का तुरंत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जनता आवाज उठाना शुरू कर देती है। तो इस बात से आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि वीडियो को आपने शेयर कर देना, इसी वजह से छोटे वीडियो आते हैं मार्केट में, और इन छोटे से वीडियो को थोड़े समय में आप देख करके, ये खुशखबरी भरा वीडियो है, ये छोटी खबर नहीं है, इसको भी आप समझ के चलना, और अगले जो भी वीडियो आएंगे आप लोगों को दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए खुशखबरी भरा वीडियो था, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है, और अभी आप लोगों को उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में, उनसे भी जो है मुलाकात की थी हमारे बहनों ने, भाइयों ने, आज आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है, यानी कि बराबर प्रयास जारी है आप लोगों की भलाई के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर मानदेय की झूठी खबरें नहीं आती, जैसे बाकी के यूट्यूबर झूठी खबरें सिर्फ मानदेय को लेकर के डेली निकालते रहते हैं व्यूज कमाने के लिए। तो इन चीजों को समझिए, हमें चाहिए यहाँ पे सच्चाई, और आप लोगों के लिए मेहनत करते आ रहे हैं ताकि कभी भविष्य में आपका पैसा बढ़ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, छोटे छोटे वीडियो आते हैं इनको लाइक जरूर कर दिया करो, साथ ही साथ शेयर कर दिया करो, ताकि हर बहन के पास में आवाज पहुंच जाए। धन्यवाद।